सो गाइस मैं अभी इधर से तालाब की ओर निकल रहा हूँ, लोग बताइएगा आप लोग का व्यू कैसा मिल रहा है। तो अभी हम लोग है बैकमोर में, तो हम लोग अभी अपने एरिया में घुस गए हैं और ये देखो आप किस तरह पुलिस अंकल घूर रहे हैं मुझे। सो वेलकम बैक टू माई फर्स्ट न्यू मोटो ब्लॉग्स इन छठ पूजा। सो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे हो कि मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं इस कैमरे को माउंट करूँगा हेलमेट पे, उसके बाद आपको मोटो ब्लॉग्स दिखाने वाला। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स होने वाला है, वो भी मोटो ब्लॉग्स। तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला। तो मैं 2 तालाब में जाऊँगा, एक है मेरे अगर आप धनबाद पे रहते हो तो विकास नगर के बारे में जानते होंगे, वहाँ पर एक तालाब है, उसके बाद वहाँ से मैं न्यू दिल्ली की ओर निकलूँगा। तो न्यू दिल्ली, ये दिल्ली नहीं है फ्रेंड्स, एक न्यू दिल्ली करके एक लोकेशन है, तो वहीं पे मैं जाऊंगा। सो वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं पहले छठ तालाब की ओर, उसके बाद मैं आपको दूसरे छठ तालाब में भी जाकर दिखाऊंगा। तो गाइस आप ये देखो किस तरह डेकोरेट किया गया है स्पेशल फॉर छठ पूजा, और आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स जगह जगह पर आपको लाइट्स भी देखने को मिलेगा जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो गाइस मैं आपको इसका रात का भी व्यू दिखाऊंगा और उस टाइम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारे लाइट्स ऑन रहेंगे जो मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। और ये देखो फ्रेंड्स किस तरह ये लोग घूर रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं गाइस सारे लोग मोहल्ले के हैं, और ये देखो गाइस जगह जगह पर यहाँ पर टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पर हर टेबल के ऊपर फ्रेश आपको फल फ्रूट रखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर दौरा लेके जा रहे देख सकते हो सारे में 1 से 2 फल डाल दिया जाता है, इसी कारण से वहाँ पर टेबल लगा कर आपको फल को रखा जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो सीधा मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से 1/2 किलोमीटर लगभग वो तालाब है। सो गाइस हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हैं, और यहाँ पर लग रहा है मुझे गाड़ी नहीं ले जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, तो एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से टर्न पर यू टर्न लेना होगा, यू टर्न लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आगे से जाने का रास्ता। तो आपने सुना है कि यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे हैं हम लोग जाने का, सो कोई नहीं मैं आगे से जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 से 4 रास्ते मिल जाएंगे वहाँ जाने को। बाइक लेकर देखता हूँ कि कहाँ से बंद है कहाँ से खुला हुआ। तो ये यहाँ पर भी मतलब पुलिस लगा हुआ है, तो यहाँ से भी परमिशन नहीं है, देख सकते हो बैरियर लगा दिया गया। और ये देखो आप मतलब कि गाइस क्या बोले, आगे कार खड़ी हुई थी फिर भी ये चापे जा रहा था। ये देखो देखो आप बैनर कोई नहीं। सो गाइस देख सकते हो मैं रास्ता था अभी तक कहीं खुला हुआ भी नहीं, तो सबसे मुझे पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये देखो आप, तो ये रास्ते में घुसना है देख सकते हो गाइस। सो गाइस हम लोग पीछे की ओर से आ गए और आगे से लेफ्ट लेता हूँ, तो मैं भी पर परमिशन होगी या नहीं मुझे पता तो नहीं। सो चलिए लेफ्ट लेकर देखता हूँ। तो ये देखो नहीं, सॉरी गाइस यहाँ पर परमिशन है, तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, देख सकते हो आगे अंकल खड़े हैं पुलिस अंकल। सो यहाँ पर गाड़ी को कहीं पर पार्क करना पड़ेगा गाइस, तो देखता हूँ आगे कहाँ पर सेफ है। सो गाइस फाइनली हम लोग तालाब के पास पहुँच गए और मुझे गाड़ी को पार्क करना पड़ा साइड में। सो यहाँ का व्यू देख सकते हो और यहाँ का क्राउड भी देख सकते हो, और उस साइड में देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको उस साइड में जाकर दिखाता हूँ। और पहले आप यहाँ इधर का देख लीजिए व्यू, बहुत ही ज़्यादा बड़ा तालाब है पूरा यहाँ पर। अगर आप एग्जैक्ट धनबाद से हो तो जानते हो कि यहाँ पर बैंक मोड़ से आपको 1/2 किलोमीटर ही पड़ेगा ये तालाब अगर आप आते हैं तो। और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप,
अगर आप हाफ किलोमीटर आते हो तो यहाँ पर जितने भी बैंक और एरिया के लोग हैं और विकास नगर और मठमलिया के लोग, सारे लोग इसी तालाब में आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना यहाँ पर क्राउड होना चाहिए। सो चलिए गाइस, अब मैं इसके अंदर आपको जगह दिखाता हूँ और यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं। इसलिए आप सबों से गुजारिश है, आप सबों से प्रार्थना है, आप सबों से आग्रह है कि आपसे जो भी मन पड़े कुछ न कुछ अपना। और ये देखो गाइस, यहाँ पर मंच बैठा हुआ है और मैं भी यहाँ पर विधायक भी आने वाले हैं, इस कार्य से थोड़ा तैयारी किया जा रहा है बहुत अच्छा तरीका से। इसलिए आपके द्वारा छोटी छोटी राशि भी जो भी दी जाएगी सचला पूरा समिति को, समिति का संबल है। और ये देखो गाइस किस तरह ये घूर रहा है, ये मेरे मोहल्ले का ही है जिसका नाम केके है। और अगर आपको केके का मतलब जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। गोप्रो कैमरा है तो यहाँ पर बच्चे लोग गोप्रो के बारे में जानते हैं। और ज़्यादातर मैं भी फ्रेंड्स यहाँ पर धनबाद के लोग इस कैमरे के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं अपोजिट में आ गया हूँ, मैं जिधर से इंटर किया था उसके अपोजिट में। तो गाइस मैं अभी अपने फ्रेंड्स को ही ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे घर तो छठ हुआ नहीं, उसी के घर हुआ तो मैं उसी के साथ ही आया था। और ये देखो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, ये देखो कैसे सीना टांगे खड़े। और ये देखो मेरे चाचा दिखा दे रहा हूँ, अभी सब तैयारी हो रही है। अभी और ये देखो गाइस किस तरह बच्चे लोग यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ दूसरे तालाब में, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। और वो तालाब फ्रेंड्स बहुत ही साइड एरिया में पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि धनबाद में आपको कोयला का ज़्यादा बिजनेस होता है और यहाँ से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि धनबाद का मतलब कोयला का राजधानी धनबाद है। सो उधर ही मैं साइड एरिया में जा रहा हूँ, उधर ही एक तालाब है। सो चलिए, और ये मेरा बाइक है देख सकते हो आप। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर दूसरे तालाब में आ चुका हूँ और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर अगल बगल कोई भी घर नहीं है, बहुत ही आउट एरिया में, क्योंकि इसी कारण से। और इधर आपको कोयला को ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद कोयला को निकाला भी जाता है। मैं आपको थोड़ा सामने से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस कुछ इस तरह का आपको यहाँ का व्यू मिलता है। और ऊपर की ओर बहुत से बड़ा यहाँ पर आपको पहाड़ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आउटसोर्सिंग का काम होता है। आउटसोर्सिंग नहीं बोलते हैं, मुझे पता नहीं। तो वहीं से कोयला को यहाँ पर निकाला जाता है उस साइड में, अपोजिट साइड में यहाँ से अगर आप देखोगे तो। और वह देखो गाइस इस तरह वो तीनों देख रहे हैं। आएगी क्या इधर आएगी।
सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर, तो चलिए तो पहले चलता हूँ पहले वाले तालाब के पास, उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट घर की ओर। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये देखो गाइस आगे है तीन पापा की परियां, तो देखता हूँ एक दो का रिएक्शन। ये देखो गाइस तीनों देख रहे हैं, ये देखो। सो बेसिकली गाइस ये लोग इस तरह देख रहे हैं इसलिए क्योंकि देख सकते हैं एक और आगे है। So, जैसे गाइस मैं बता ही रहा था वो तीन लड़के इस तरह इसलिए देख रहे थे क्योंकि मैं गोप्रो को इस तरह माउंट करके रखा हूँ, मतलब कि हेड के ऊपर सीधा मैं माउंट करके रखा हूँ, इस तरह सारे लोग ऐसे देख रहे हैं। और उसी बीच अंकल भी गाड़ी रोक कर मुझसे पूछने लगे ये कौन सा हेलमेट है ये वगैरह, तो मैंने कहा कि ये 40,000 का हेलमेट है, बस बोल के चला गया। सो गाइस अब तो मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू रहिए क्योंकि कल का वीडियो भी मैं इसी में ऐड कर दिया हूँ। सो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से स्किप कर दूँगा, तो पहले यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो ये आपको बैंक मोर एरिया है जो तालाब थे उसी के बीच में हूँ मैं, तो आप देख सकते हो, और चलिए मैं चलता हूँ। देख सकते हो अपने पुलिस अंकल भी कैसे देख रहे हैं और अगले को भी दिखा रहे हैं। सो पहले मैं चलता हूँ। सो जैसे कि फ्रेंड्स अभी देख सकते हो मैं जैकेट पहन के रेडी हूँ क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं घाट की ओर निकलूँगा अभी 10-15 मिनट में। सो रात में ही फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है कि रात में ही जो भी डेकोरेशन किया गया है छठ पूजा के लिए सब आपको रात में ही व्यू मिलेगा, तो आपको मैं व्यू दिखाते हुए जाऊँगा। और यहाँ पर आपको मोटो ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे, ये आपको मैं वॉक करके ही जाऊँगा। सो वीडियो पे बने रहिए। I'm not a man.